गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आई एम आमिर खान, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री। टुडे आई विल डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर क्लास 9th केमिस्ट्री एंड द टॉपिक इज डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। तो डियर स्टूडेंट, आज मैं बात करूंगा डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम के बारे में। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्लास 9th का जो सेकेंड चैप्टर है केमिस्ट्री का, जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर, उसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है कोलोइड। ठीक है, और आपको ये बात पता होना चाहिए कोलोइड क्लास 12th के भी सिलेबस में। तो जब आप क्लास 12th की केमिस्ट्री पढ़िएगा तो वहाँ पर भी आपको कोलोइड मिलेगा। और बेसिक लेवल की बात करें तो क्लास 9th में भी आपको कोलोइड है। मतलब ये वीडियो दोनों क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है, 12th के लिए भी और 9th के लिए भी। ओके, तो चलिए हम लोग टॉपिक को शुरू करते हैं। तो जब हम लोग कोलोइड को डिफाइन करते हैं तो कोलोइड के बारे में क्या कहते हैं। कोलोइड इज ए हेट्रोजीनस मिक्सचर इन विच द पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज आर प्रेजेंट इन डिस्पर्शन मीडियम। तो कोलोइड हम ऐसे हेट्रोजीनस मिक्सचर को कहते हैं जिसमें द पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स फेज प्रेजेंट हो द पार्टिकल ऑफ द डिस्पर्शन मीडियम में। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट समझ नहीं पाता है कि सर ये डिस्पर्स फेज क्या होता है और डिस्पर्शन मीडियम क्या होता है। तो वो लोग तो ये बात समझ जाते हैं कि हेट्रोजीनस मिक्सचर क्या होता है, क्योंकि हेट्रोजीनस मिक्सचर हम उस मिक्सचर को कहते हैं जिसमें कंपोजिशन फिक्स नहीं हो, जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं हो, और कहाँ पर क्या प्रेजेंट है, कहाँ पर सॉल्यूट है, कहाँ पर सॉल्वेंट है, वो इजीली विजिबल हो जाए। जैसे वाटर में सैंड को मिलाना हेट्रोजीनस मिक्सचर है, पता चल जाएगा कहाँ पर सॉल्यूट है कहाँ पर सॉल्वेंट है। जैसे वाटर में स्टार्च को मिलाना या इंक को मिलाना, वो भी एक हेट्रोजीनस मिक्सचर है। तो हेट्रोजीनस मिक्सचर के जो कंपोजिशन होते हैं वो यूनिफॉर्म नहीं होते हैं। तो कोलोइड इज ए हेट्रोजीनस मिक्सचर, ये बात तो समझ में आता है, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्पर्शन मीडियम। तो मैं इस चीज को समझाता हूँ। तो डियर स्टूडेंट, एक्चुअली डिस्पर्स्ड फेज स्टैंड फॉर सॉल्यूट फॉर कोलोइड। अब देखिए, ये टर्म आप लोग के लिए बहुत आसान हो गया। अब यहाँ पर डिस्पर्स्ड फेज कोलोइड के लिए क्या हो जाएगा, सॉल्यूट, एंड डिस्पर्शन मीडियम कोलोइड के लिए हो जाएगा सॉल्वेंट। समझाने के लिए इस चीज को मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, सॉल्यूट किसको कहते हैं, जिसको मिला रहे हैं। सॉल्वेंट किसको कहते हैं, जिसमें मिला रहे हैं। ऐसे सपोज दैट पानी में अगर मैंने इंक को मिलाया तो एक कोलोइडल सॉल्यूशन बनेगा। तो किसको मिला रहे हैं, इंक को, तो वो मेरे लिए सॉल्यूट है। किसमें मिला रहे हैं, वाटर में, तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। लेकिन कोलोइड के लिए ना स्टूडेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के लिए एक स्पेशल वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो कोलोइड के सॉल्यूट को सॉल्यूट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डिस्पर्स फेज। और कोलोइड के सॉल्वेंट को सॉल्वेंट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डिस्पर्शन मीडियम। क्योंकि जानते हैं जो कि सॉल्यूट वर्ड हम लोग सॉल्यूशन के लिए इस्तेमाल करते हैं और सॉल्वेंट वर्ड भी हम लोग सॉल्यूशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जैसा कि हम लोग को पढ़ाया जाता है कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके क्या बनाता है, तो सॉल्यूशन बनाता है। और सॉल्यूशन कैसा मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर है। लेकिन हम लोग कोलोइड को किस में रखते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में रखते हैं। तो हम लोग कोलोइड को सॉल्यूट और सॉल्वेंट तो नहीं इस्तेमाल करेंगे कोलोइड में, क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट हम लोग सॉल्यूशन के लिए इस्तेमाल करते हैं और सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है, जबकि कोलोइड एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो मतलब कोलोइड में हम लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसलिए बेहतर और सबसे बेस्ट वर्ड क्या रहेगा, डिस्पर्स्ड फेज फॉर सॉल्यूट, डिस्पर्शन मीडियम फॉर सॉल्वेंट। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अब सुनिए, अब सपोज दैट हमें स्टार्च मिलाना है वाटर में, तो स्टार्च हो जाएगा डिस्पर्स्ड फेज जबकि वाटर हो जाएगा डिस्पर्शन मीडियम। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। अब कोलोइड का डिफिनेशन क्या होगा, कोलोइड इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच द पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज आर प्रेजेंट इन डिस्पर्शन मीडियम। कोलोइड एक ऐसे हेट्रोजीनियस मिक्सचर को कहते हैं जिसमें पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स फेज प्रेजेंट होता है डिस्पर्शन मीडियम। और अब एक स्टैंडर्ड टर्म मैं इस्तेमाल करूंगा। एक्चुअली डियर स्टूडेंट, कोलोइड में ना पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स फेज सस्पेंड करते हैं, मतलब घूमते हैं कहाँ, डिस्पर्शन मीडियम में। चूंकि कोलोइड पार्शियल स्टेबल होता है, एक्चुअली जब हम लोग कोलोइड बनाते हैं ना, जैसे मान के चलिए डिस्पर्शन मीडियम है, कोई लिक्विड है, इसमें कोई डिस्पर्स फेज मिला रहे, मतलब कोई सॉलिड। तो कोलोइड का जो पार्टिकल होता है, मतलब डिस्पर्स फेज जो होता है, मतलब जो सॉल्यूट होता है, वो ना मीडियम में सस्पेंड करता है, मतलब घूमता है,
कोलोइड में जो सॉल्यूट पार्टिकल होता है ना, वो सॉल्वेंट में पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं कर पाता है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कोलोइड इज अ हेटरोजीनियस मिक्सचर इन विच द पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स फेज आर सस्पेंडेड। सस्पेंडेड का मतलब होता है घूमना इन द डिस्पर्शन मीडियम। आप देखते होंगे पॉल्यूटेड एयर में डस्ट पार्टिकल एयर में ऐसे 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 घूमता रहता है, और जब लाइट जाती है तो लाइट का पाथ विजिबल हो जाता है, तो वहां पर डस्ट पार्टिकल डिस्पर्श फेज है जबकि एयर डिस्पर्शन मीडियम है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। और डिस्पर्श फेज और डिस्पर्शन मीडियम के ही बेसिस पे कोलोइड के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे सॉल, इमल्शन, जेल, सॉलिड सॉल, जो कि हम लोग नेक्स्ट सेशन में उसे देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, साथ ही सब्सक्राइब भी। थैंक यू सो मच। जय हिंद एंड हैव ए नाइस डे।